नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हब ट्रैकिंग इक्विपमेंट जो हमारी शॉप सियर पार्क में है। थैंक यू सो मच फिर से कहूँगा मेरे दोस्तों का, जो लोग भूल गए हैं भाई वीडियो जरूर देख रहे हैं बट मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलना, लास्ट तक देखना। और आज जो मैं आपको बताऊँगा अपने जो मेरी वीडियो है कैंपिंग स्टोव के बारे में, जो कि मल्टी फ्यूल स्टोव के बारे में है, मैं आज उसके बारे में आपको बताऊँगा भी वो कैसे और क्या है मेरी शॉप में जो अवेलेबल है, लिमिटेड स्टॉक जो मेरे पास जो अवेलेबल है उसका। और प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना और लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको, सब्सक्राइब जरूर करना भाइयों। चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास जो कैंपिंग का जो मल्टी फ्यूल स्टोव है जो अवेलेबल है जो मेरी शॉप पर, वो कुछ इस तरह से है। मैं आपको पास ला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बॉक्स के अंदर ऐसा कुछ आता है, मल्टी फ्यूल है। आप ऐसे भी उस स्लैंड के साथ बॉटल भी आती है, सब कुछ इसके साथ बिल्ट आती है। ये भाइयों बहुत ही बढ़िया चीज़ है, लिमिटेड स्टॉक है मेरे पास। मैं अभी भी कहूँगा, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ उसके अंदर क्या क्या आता है। ये देखिए, इसके अंदर ये सब कुछ चीज़ें आ रही हैं, आपको देख रहे हो आप। एक वायर आ रही है, मैं आपको इसका डेमोंस्ट्रेशन भी करके दिखाता हूँ अभी, कि अभी इसी वीडियो में आपको करके भी दिखाऊंगा। एक ये वायर आ रही है, इसके अंदर जो इसका बर्नर जो आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से आता है। पहले ही हैवी क्वालिटी के अंदर है, आपके सामने ही है। नोज़ल जो इसकी ऐसे आती है जो आप देख रहे हो, इसके अंदर पिन अप होता है छोटा सा। ये आपका बर्नर है, हैवी क्वालिटी के अंदर है। और जो जो इसकी एक बॉटल जो देख रहे हैं आप, फ्यूल बॉटल, इसके अंदर आप फ्यूल भर के अपना अच्छी क्वालिटी में। ये भी हैवी है और जो आप देख सकते हो दबाने पे भी दबती नहीं है, प्रेशर इतनी हल्की नहीं है ये, जैसे कि लगेगी बहुत हल्की। इसको कवर लगा के रखें हमेशा। और जो इसका आप देख सकते हो, जो आप जो इसके अंदर देख रहे हैं जो इसका स्टैंड है, इसके अंदर जो बॉटल के अंदर चला जाता है ये, मैं भी आपको डेमोंस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा पूरा इसका कैसे इसको प्रेशर इसको बनाना होता है, क्या कैसे कैसे इसको करना यूज़ करना है इसको, मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। और आपको इसके अंदर आपको एक छोटी सी ये पैकिंग भी मिलती है एक्स्ट्रा, ताकि आप नोज़ल यहाँ पर दूसरे पाइप यूज़ करना चाहते हैं। ये इसका कवर है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो पूरा इसके अंदर सारा सामान इकट्ठा आ जाएगा एक जगह पे। और जो आप ये देख रहे हैं वायर, ये उसके आगे लग जाएगी। और ये आप नॉर्मल ये अपना सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, मल्टी फ्यूल के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये एक जो चीज़ दी हुई है इन्होंने, ये चीज़ ये इसका ऊपर का ये कवर खोलने के लिए, स्टोव वगैरह जैसे पुराने होते थे ये निकल जाता है। इसके नोज़ल के पिन होती है छोटी सी, इसके अंदर एक छोटी सी पिन जो देख रहे हैं आप, इसको क्लियर करने के लिए इन्होंने यहाँ पे छोटी सी पिन दी हुई है एक, जैसे कि अगर आपको क्लियर करनी है, ये देख सकते हो पिन छोटी सी दे रखी है। चलिए मैं इसका आपको जला कर एक बार दिखाता हूँ, मैं आपको ये वाला स्टोव बूस्टर। रेडी हो गया आपका ये पूरा चूल्हा, आप देख सकते हो इसके अंदर हल्के से गैस का प्रेशर अप डाउन कर सकते हो आप इसके अंदर को इजीली, जो आप देख सकते हो अपना बर्तन रेडी रखें, आप अपना बर्तन इसको आप रेडी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देखिए, मैंने फ़र्स्ट टाइम में आज इसको यूज़ किया है। और देखिए ये चीज़, अब आप फ्यूल से इसको वर्क करेंगे तो ज़रूर इसके अंदर कालकपन जरूर आ जाएगी आपके, मैं अभी भी बता रहा हूँ। फ्रेश पीस जब मैंने स्टार्ट किया था आपके सामने ही है। प्रेशर कभी मैंने स्टोव कभी इस्तेमाल नहीं किया मल्टी फ्यूल आज तक कभी कैंपिंग के अंदर, हंस वाले गैस यूज़ जरूर किए हैं। ये मल्टी फ्यूल का इसका जो बर्नर साथ में जो इसका आता है परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी सर, मैंने इसमें पेट्रोल भर दिया है, सब कुछ कर दिया, एकदम ओके की रिपोर्ट है। इसके अंदर हम थोड़ा सा प्रेशर बना लेते हैं,
छोटी सी चाबी भी दी है, इसको आप कस लें ताकि बढ़िया से भैया पेट्रोल वेट्रोल हर चीज़ दूर रख लें। फर्स्ट टाइम मैं ये कर रहा हूँ। इसको आप प्रेशर बनाते जाएं, थोड़ा थोड़ा करके ये स्टार्टिंग है तो आप देख रहे हो स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा सा जरूर ये थोड़ा आपको लग रहा है कि ये ऐसा ऐसा धुआं आ रहा है। प्रेशर बना दें एक बार और, ये लो जी आपका स्टोव इज रेडी हो गया है। अब आप जो मर्जी बनाओ भी इसके ऊपर, ये फर्स्ट टाइम जो होता है इसके अंदर जो आप देख रहे हैं। प्रेशर एक बार फिर बना देता हूँ, प्रेशर आपके सामने है, एकदम बढ़िया स्टोव हो गया है। पेट्रोल के साथ मैंने इसको चलाया है आज, बढ़िया तरीके से आप जो देख सकते हो रेड हो गया बिल्कुल। अपने बर्तन ऊपर रखें वो बढ़िया लोग है भाई, हल्का सा इसको खोल लें। प्रेशर अप डाउन अब हो सकता है, देखिए देख रहे हैं आप बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है आज। तो स्टोव चलाएं जो मर्जी चलाएं, मैं आपको पास ला के दिखाता हूँ। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से ये वर्क कर रहा है, मल्टी फ्यूल हाई लो। अब मैंने लो कर दिया, देखिए हाई, ये फिर लो, ये मैंने बंद कर दिया पूरा, और ये मैंने बंद कर दिया पूरा तरह से। पेट्रोल में तो बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है जी, ये पूरा बंद हो गया है। अगर मैं अगर खोल कर देखने को रही कि चल जाते, ओ वाह, फिर ऑन कर दिया मैंने, आप लोग देख सकते हो। बंद कर दिया जी मैंने जी, लेट्स सी आप देखते हैं। लो जी बंद, ये मैंने आज पेट्रोल पर वर्क किया इसको बहुत बढ़िया तरीके से। इसको सीधा भी रख सकते हो। लो जी फूक मार के बुझा दिया हमने, तो कोई डेंजरस चीज़ नहीं है भाई, ओके की रिपोर्ट है ये। नहीं कर सकते तो भैया ये लो बुटेन कैन के साथ भी इसको चला सकते हो आप, बहुत बढ़िया लोग भी कर सकते हो। और ब्लू ले देखिए स्टार्ट होगी पूरी, ब्लू ले आपके पास प्रेशर पूरा है, हंस का बुटेन भी कर सकते हो। कुछ भाई पूछते हैं कि ये कितनी देर चलता है, भैया 230 ग्राम वाला इसके ऊपर आराम से इजीली भी नहीं भी नाना करते भी तो ये आपका 2.5 घंटे चलता है। 450 ग्राम वाला अगर आप लेते हो तो वो सीधा सीधा चलेगा आपका 4 घंटे, अगर आप ये वाले हंस के हाई प्रेशर वाले यूज़ करते हो कैंस। कैसी लगी मेरी वीडियो दोस्तों, काला हो गया कर लीजिएगा, फ्रेश पीस चमक रहा था काला होगा होगा फ्यूल में अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू भाइयों, थैंक यू कहूँगा मैं सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को, और जो ने मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं जो नए नए सब्सक्राइबर उन सबको मैं थैंक यू कहूँगा जिन्होंने मेरी ये वीडियो देखी है। और थैंक यू कहूँगा मेरे यूट्यूब को भी कहूँगा कि, और मैं अपने भाइयों को सभी फ्रेंड्स को कहूँगा कि भाई प्लीज़
जो लोग भूल गए हैं सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मुझे भी यार एक वो मिल जाए, हौसला टाइप मिल जाए, एक पावर मिल जाए कि भी मैं भी एक वीडियो बना रहा हूँ तो ठीक बन रही है कि नहीं बन रही है। आप लोग ही मुझे बता रहे हो, मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। और जो मैंने आज की जो मल्टीफ्यूल जो बर्नर के ऊपर जो बनाई ये वीडियो जो बनाई है, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं मुझे, और मुझे बताएं मेरी इस वीडियो में क्या क्या कमियां रही हैं, और जो भी हो सकता है आप लोग के ऊपर है भैया। आप यू भी देंगे तो भी मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि पता क्या होगा, जो लोग मुझे यू देखे इसका मतलब वो मुझे वीडियो को देख रहे हैं, उनको मज़ा नहीं आ रहा, वो लाइक अनलाइक कर रहे हैं, वो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2,000 लोग मुझे अगर लाइक दे रहे हैं, अगर मुझे उसमें से 50 लोग अनलाइक भी करेंगे, इट्स ओके सर, वो भी चलो, इसका मतलब वो मेरी वीडियो तो देख ही रहे हैं ना सर, उससे भी मुझे खुशी है कि वो मेरे को अनलाइक दे रहे हैं। बस कोई बात नहीं सर, जैसा आप चाहे, जो सर लाइक करे लाइक कर दे सकते, अनलाइक जिनको नहीं पसंद वो अनलाइक कर दे, कोई दिक्कत नहीं है सर। थैंक यू कहूँगा उनको भी जिन्होंने मुझे अनलाइक किया, और सबको कहूँगा कि भैया प्लीज़ मेरे इस वीडियो को सेफ्टी, अगर मल्टीफ्यूल स्टोव अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको प्लीज़ आप सेफ्टी के, आप बाइकर्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाइकर्स वगैरह तो देखिए खुले एरिया में होते हैं, बट इसको टेंट वेंट के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। टेंट के बाहर भी अगर आउटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा दूर हटके लगाएं इसको थोड़ा सा, क्योंकि मल्टीफ्यूल है यार, देखो ये स्टोव की तरह होता है। अगर आप, मैं तो आपको प्रेफर करूँगा कि भैया कैन लो, अपना अपना प्रोटेन वोटेन यूज़ करो, गैस कैन यूज़ करो, वो बढ़िया है, झकास है वो एकदम मस्त में। और ये चीज़ें जो है जैसे सर पेट्रोल डीजल वाली चीज़ें, तो जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं अगर आप बाइक से तो ये बेनिफिट में, क्योंकि कैरी करने में दिक्कत होगी, बाइक से पेट्रोल निकाला और झट देनी स्टार्ट, फ्यूल आता है कॉलमैन के अंदर, यही सेम चीज़ के अंदर एक फ्यूल भी आता है कि एक कॉलमैन का, कि इसको फ्यूल भर के आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वीडियो कैसी लगी एंड तक देखा, थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्लीज़ कहूँगा, सब्सक्राइब जरूर कर ले, भूलिएगा मत सब्सक्राइब का बटन दबाना सर। थैंक यू सर, जय हिंद, जय भारत।